उसके बाद बरसात का समय है, तो जल स्वावलंबन को लेकर सरकार जो है वो गंभीर है, और उसी को लेकर आज कैबिनेट के अंदर इस प्रस्ताव को लेकर बातचीत की गई है, मंथन किया गया और किस तरीके से आगामी रणनीति हो उसको तय किया गया है। कैबिनेट मंत्री यूनुस खान ने ये ब्रीफिंग दी है। चलिए एक बार फिर हम अपने मुद्दे पर आते हैं, और आलोक जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके की बात नगेंद्र सिंह जी भी कह रहे हैं और आपकी पार्टी भी अब चुनाव में जुट गई है, कांग्रेस जो है वो आपकी जो नाकामियां हैं, आपकी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाई, उसके ग्राउंड रियलिटी को लेकर जनता के सामने जाएंगी। अब जिस तरीके की स्थितियां अब आने वाले चुनाव को लेकर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी के लिए केनाची का अभी पक्ष की लहर कही जा सकती है, धौलपुर में भी अभी जो चुनाव हुआ उसमें भी थंपिंग मेजोरिटी के साथ चुनाव में जीत हासिल की है, वो बात अलग है कि कांग्रेस इससे मशीनरी का दुरुपयोग बता रही है, लेकिन क्या लगता है अभी से इन सारी चीजों को लेकर कोशिशें शुरू कर दी गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया, और अब राज्य सरकार को भी लगने लगा है कि अभी से अगर हमने बूथ लेवल पर अगर तैयारी नहीं की तो जो परिणाम है चुनाव के वो उलट भी हो सकते हैं। देखिए दुर्गेश जी, मैं आपके माध्यम से सारी जनता देख रही है, उनको एक बार, वैसे जनता को सब पता है लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे संगठन का एक ही लक्ष्य है, अंत्योदय। हमारी पार्टी की विचारधारा का जो मूल आधार है वो है एकात्म मानववाद, दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को सही मायने में आमजन तक पहुंचाना और अंत्योदय। उसी ने विस्तारक, आप ये देखेंगे कि विस्तारक की हमने क्या, बिल्कुल हमने ये विस्तारक की योजना जो लाए हैं, इनका उद्देश्य ये उद्देश्य है कि ये लोग अवैतनिक है, ये पूरी निस्वार्थ समर्पण से संगठन के ही लोग हैं, और संगठन के लोगों को खुद बाद में उनको भी तैयार किया जाएगा कि एक्चुअल एकात मानववाद क्या है, सरकार की योजनाएं क्या है, और उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि जिस मतदाता ने जनसेवा के लिए हमें चुनकर भेजा है उस एक एक मतदाता तक सरकार की योजनाएं पहुंचे और उनका लाभ उनको मिले, और उनको लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको लाभ दिलवाया जाएगा, उसमें जो भी अड़चन है वो भी ये विस्तारक दूर करवाएंगे। जनता की सेवा करने का ही मूल उद्देश्य है, उसी से विस्तारक की योजना बनाई गई है। अब आपको मैं बता दूं, अभी मैंने सुना कि जैसा आपने कांग्रेस के नगेंद्र जी से पूछा था और उन्होंने बोला था, अब आपने खुद ने कहा, लेकिन आपके प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिल पाया आपको कि बाद में कि धौलपुर उन्होंने कहा कि साहब मीडिया का भ्रामक प्रचार। मीडिया की सही मायने में क्या होता है, मीडिया को तो जो कहा जा रहा है, मीडिया बनता इसलिए कि वो समाज को, हमारी मेरी बात को, आपकी बात को, हर व्यक्ति की बात को समाज तक पहुंचाता है। अब गहलोत जी ने अगर कोई बयान दिया था तो मीडिया ने पहुंचाया तो ये क्या करेंगे, नहीं सर मीडिया का भ्रामक प्रचार, नहीं ये मैं ये गलत बात कर रहा हूं। मीडिया का भ्रामक प्रचार जो प्रदेश में कांग्रेस बात है वो भ्रामक प्रचार, मीडिया और विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मीडिया और विपक्ष, यानी कि आपने मीडिया में शामिल किया, विपक्ष तो आपके बैठा हुआ है, इसमें दोहराने वाली बात नहीं है। आपने कहा मीडिया विपक्ष, आप जो है आप तो आपकी सरकार, आपने 5 साल में काम किया गया, आपके बताइए आपके पास विपक्ष, मतलब आप जो भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी हमारी विपक्षी दल है कांग्रेस के साथ, नगेंद्र जी आप लगातार इस चीज को जो है प्रचारित कर रहे हो कि कांग्रेस के अंदर जो है अंदरूनी गुंडागर्दी है, आलोक जी, आलोक जी आपके जानना चाहूंगा उनकी चुनाव की अब काउंटडाउन शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बीजेपी भी लग गई है, कांग्रेस में भी जिस तरीके से बदलाव आया, संगठनात्मक तौर पर जो चेंजेस किए, गहलोत साहब को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है, सरकार बनाएगी जी। आलोक जी आपसे पूछना चाहूंगा, आखिर बीजेपी को चुनाव से पहले ही रीति नीति की क्यों बात ध्यान में आती है, क्यों एकात्मवाद की बात ध्यान में आती है, क्या पूरे साल इस तरीके के कार्यक्रम नहीं चल सकते, क्या जिस तरीके से आप पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो आप कह रहे हैं कि चुनाव से पहले, मैं नहीं कह रहा कि चुनाव से पहले, हमारा तो शुरू से लक्ष्य चुनाव से पहले का नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव के प्रचार प्रचार की नीति है, ये सबसे बड़ी बात है कि जनता तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, जनहित के लिए काम कर रहा है, तो ये नहीं है कि चुनाव से पहले ध्यान आता है। तीन साल बाद सरकार को याद आता है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं जो है आम इंसान तक नहीं पहुंच पा रही, आम गरीब ढाणी तक वो नहीं पहुंच पा रही, शायद इस वजह से अब इसकी कवायद करने की जरूरत है। वैसे भी पहुंच रही थी, अब उसका लक्ष्य ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच पा रही, हमारा कार्यकर्ता पहले भी पहुंचा रहा है, कार्यकर्ता सक्रिय है, और आप ये देखेंगे कि ऐसे नहीं कि कार्यकर्ता नहीं पहुंचा रहा, हम हमारी योजना को विस्तार दे रहे हैं तो उसमें किसी को आपत्ति करने की क्या जरूरत है। नगेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, नगेंद्र जी को सुन लेते हैं, हर जगह पहुंचाता है उसका, नगेंद्र जी को सुन लेते हैं। ऐसा है दुर्गेश जी, स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है,
जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जिस तरह की पार्टी ने जो सपने दिखाए थे जनता को और जिसके बेस पर पार्टी जो है बहुत बड़ा मैंडेट आपको मिला और उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, जो वादे जो सरकार ने किए वादे पूरे नहीं हुए हैं, कार्यकर्ता जो है अपने विधायकों से बात करते हैं, विधायकों की सुनवाई तो अधिकारी करते हैं, ना कर रहे हैं, विधायक मंत्री की जो है सुनवाई वो मुख्यमंत्री जी की आनी होती है, मुख्यमंत्री जनता की कोई सुनवाई नहीं कर रही है, पूरे तरीके से संतोष भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और यही कारण है कि जो है भारत कार्यकर्ता को संतुष्ट करने के लिए जनता को जो है अपने साथ जोड़ने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इस तरह के किसी भी प्रयास जो है सफल होने वाले नहीं है और जनता जो है हकीकत समझ चुकी है, जो जनता को आपने झूठे सपने दिखाए, जो झूठे वादे जनता के साथ किए, आज जनता जो है पूरे तरीके से आपकी जो है हकीकत को समझ चुकी है, अब जो है आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि में काम हो रहा है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से शौच मुक्त वाला जो अभियान चल रहा है, दो तीन दिन पहले ही कांग्रेस ने इस बात को उजागर किया कि किस तरीके से ग्रामीणों को धमकाकर शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है और सरकार जो है उसके ऊपर जो है कोई पसंदियां नहीं ले रही है, सरकार को कार्यकर्ता नहीं तैयार नहीं है, इस सरकार ने अपनी आर्थिक कार्य बंद कर रखे हैं और ये आर्थिक कार्य में जनता की सुनवाई तो बहादुर की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, विधायक जो है विधानसभा में आप देख लीजिए, विधायक जो है घनश्याम तिवारी जी खुलकर जो है पार्टी के सामने जो है बात कर रहे हैं, पार्टी की जो रीति नीति है उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है और रीति नीति में प्रश्न चिन्ह लगाया के बाद भी अभी तक भी जो है उनकी बात को भी उनको भी संतुष्ट नहीं किया जा रहा है, तो आप बताइए आम कार्यकर्ता की क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक बात महेश जी विधानसभा के तरीके के हालात जो है राजनीति की अगर बात करें, दोनों पार्टियों के अंदर मंथन शुरू हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब चलेगा ही, क्योंकि पक्ष वाले जो है वो अपने कामों की बात करेंगे तो विपक्ष वाले जो है वो उनके कामों को नाकाम बताएंगे, ये स्थिति तो रहेगी, तय तो जनता को करना। लेकिन उससे पहले क्योंकि सारी स्थितियां सामने हैं, कई तरीके की स्थितियां बीजेपी के भी सामने हैं और कांग्रेस के भी सामने हैं, लेकिन क्या लगता है बीजेपी जिस तरीके से अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता में जाना चाह रही है, तो क्या तीन साल बाद अब सरकार को लगने लगा है कि वो जो योजनाएं लेके आई वो जनता तक नहीं पहुंची, उनका लाभ नहीं पहुंचा है, लोगों में आक्रोश है, इसीलिए अब कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है तो उनको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, उनकी सुनना बहुत जरूरी है, तीन साल तक शायद सुना नहीं गया इसलिए ये सारी चीजें हैं कि अब रीति नीति का वापस से पाठ पढ़ाया जा रहा है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो क्या कांग्रेस जिस तरीके से गुटबाजी को लेकर नेतृत्व को लेकर अभी भी संशय की स्थिति है, तो क्या लगता है जिस तरीके की परिपाटी अभी देखने को मिल रही है, क्या चुनाव में जाने से पहले जनता के सामने दोनों पार्टियों को क्या अपनी स्थिति को साफ करना है, इसीलिए यह सारी चीजें हैं? देखिए जहां तक है कि कांग्रेस के बारे में जो कहा जा रहा है उसमें दो चीजें सामने आ रही हैं कि गहलोत जी को मतलब गुजरात का प्रभारी बना महासचिव बना करके और गुजरात का प्रभारी बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं उनको जो पोजीशन और जिनको वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए अनुभव को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें केंद्र में भेजा गया है और इनको फ्री हैंड जो सचिन पायलट को फ्री हैंड किया जाए, क्योंकि हो सकती है क्योंकि जहां ये ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं जहां गुटबाजी न हो, मतभेद न हो, आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है, लेकिन जब इससे क्या है कि अब इनके पास पर्याप्त समय, आप ये 2000 अभी राजस्थान पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, कि राजस्थान में कंसंट्रेट अगर करते हैं तो ये हमारे दोनों पार्टियों के पास में, इस प्रमुख दलों के पास में 18 महीने का समय रह गया, 18 महीने से भी कम हो गया है, लेकिन अब इसमें अगर इस समय जहां भाजपा के लिए सत्ता में बने रहने या वापस से सत्ता में लौटने के लिए एक बड़ी चुनौती है, वहीं से कांग्रेस को अपनी जो सत्ता खो जो 2014 में जो 13 में जो सत्ता खोई थी उसे वापस प्राप्त करने के लिए उसको दौड़ लगानी पड़ेगी, और वैसे विपरीत समय पे जबकि इस समय पूरे देश भर में एक के बाद एक राज्य में मोदी लहर जा रही है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरह की किसी भी दल के अंदर भीतरी जो चुनाव में वापस सत्ता प्राप्त करना चाहती है उसके भीतर अगर गुटबाजी रहेगी तो ये वैसे ही दराश हो जाएंगे, क्योंकि भीतरी अगर विभीषण बैठे होंगे तो लंका डह नहीं है, तो इस बात का भी ये इनके सामने चुनौती है कि भीतर का अपन जो है
वो असंतोष को दूर करें और गुटबाजी को बंद करें और आने वाली तैयारी आने वाले वर्ग को आने वाली मतलब चुनौती का हम सामना करें। और जहां तक भाजपा का सवाल है तो एक बात अगर आप वसुंधरा राजे का जो इन्होंने जो अभी जो आज उन्होंने भाषण दिया है उसमें बहुत बड़ी मर्म की बात कही है उन्होंने, वो सबसे बड़ी मर्म की बात ये कही है उन्होंने कि आप लोग किसी की सियार नहीं भरेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, सियाद भरने के लिए आपको नहीं ये काम करना है और मैं आपको ये पैनल बनाना है, आपको पैनल बनाने का काम नहीं है, वो तो जो है हायर लेवल के उच्च स्तर पे जो तय होगा चुनाव टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है ये, लेकिन ये काम आपका आपका काम है कि आप जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं आम जन तक पहुंचे और साथ साथ ही उस मतदाता को आप बूथ तक कैसे ला सकते हैं अगले वाले चुनाव के अंदर। ये कवायद बहुत अरसे से ये केवल सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं है कि जो इनके केंद्रीय है जो संगठन का जो है ना वहां से निर्देश मिले उसके अनुसार इन्होंने अब से शुरू कर दिया, क्योंकि अब आप ये देखिए कि आने वाला एक बजट है अगले बार जो आएगा जो एक बजट होगा भाजपा का, और अगर उसे कहा जाता है कि उस चुनावी चूंकि वो अधिकांश है उस बजट में अगर कोई घोषणाएं होती है तो आम जनता भी ये महसूस करती है कि ये एक चुनावी बजट है, इसमें प्रलोभन और लॉलीपॉप ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये गलती पिछली बार कांग्रेस ने की थी जो लास्ट के जो ईयर जो था उसमें धनाधन इतनी मतलब क्या कहते घोषणाएं की, ये एक सबसे बड़ा मतलब घोषणाएं तो की थी आम जनता के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा इसलिए लिया कि जनता ने सोच लिया कि ये मतलब क्या कहते सेवा हमारे को रिझाने के लिए दिया जा रहा है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अधिकांश जो घोषणाएं जो भाजपा ने है जो अभी इस बजट तक पूरी कर ली है, अब जो भी चाहे वो केंद्र सरकार की मतलब योजना है तो राज्य सरकार की योजना है इनकी उपलब्धि को आम जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है और वहां से मतलब क्या रहता है ना उन मतदाता को बूथ तक लाने का, ये जो इसमें बिल्कुल सही जो एक प्रोसेस है आपने कहा प्रोसेस की जो रेवड़ियां हैं उसको अब जनता समझने लगी है और जिस तरीके से सोशल मीडिया का जितना प्रभाव अब देखने को मिल रहा है जनता वो इतने जल्दी बरगलाना इतना आसान नहीं होगा और दोनों पार्टियों के लिए समय अभी से है कि जनता में अपनी पैठ बनाए और आने वाले जो चुनाव हैं उसके अंदर किस तरीके से अपनी रीति नीति को लेकर वो जाएंगे उसके लिए अभी से जुटना पड़ेगा, अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ता बनकर अगर आप काम करोगे तो जनता के दिलों पर राज कर पाओगे, लेकिन अगर नेता और नेतृत्व की बात करेंगे तो कहीं कहीं स्थिति जनता ये सब देख रही है। फिलहाल हमारी आज खास खबर में मुद्दे में इतना ही, आप लोग हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुद्दे को हम यहीं विराम देंगे, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी, नमस्कार।